सील बोलते हैं वो मशीन महंगी हो जाती है, वो ना ऐसे सील होती है, महसूस नहीं होती, यहाँ से उठती नहीं, उठती नहीं यही, वो बिल्कुल यहाँ से भी प्रेस होती है। तो बना के लाए हुए हैं, नहीं नहीं पूछना चाहिए, जाहिर है जो सवाल है जहन में वो होने चाहिए। यार ये विंडो बंद करो। हाँ जी ठीक है, किस तरह देखना है, मतलब जो सामने वाली पार्टी में इसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। मिसाल आपने किसी को मुझे डिस्ट्रीब्यूशन में मिसाल देते हैं, तो क्या मैं आपसे प्रोडक्ट खरीद रहा होता हूँ या मैं आपको ये कहता हूँ कि आपकी प्रोडक्ट बेच के उसमें प्रॉफिट मार्जिन हम आपस में शेयर करें। ये डिपेंड करता है मार्केट की ना पॉलिसी होती है, आप जब भी कोई काम शुरू करेंगे पहले उसकी एक पॉलिसी बनाएंगे, लेकिन पॉलिसी बनाएंगे मार्केट का सर्वे करने के बाद। कुछ कंपनियां हैं वो कहती हैं कि जी जब तक हमें एडवांस पैसे नहीं आएंगे हम आपको मटेरियल नहीं देंगे, फिर वो अपनी पॉलिसी के ऊपर सख्ती से पक्के हो जाते हैं, जो मर्ज़ी हो जाए उनका कारोबार चले या ना चले वो जब तक एडवांस पेमेंट नहीं आएगी वो आपको मटेरियल नहीं देंगे, ये उनकी पॉलिसी है। कुछ कंपनियाँ कहती हैं जी कि हम नेट काम करते हैं, हम एडवांस नहीं लेते लेकिन उधार भी नहीं करते, हम आपके पास मटेरियल पहुँचाएँगे आप हमें पैसे दे देंगे। कुछ कंपनियां ऐसी हैं वो कहती हैं जी कि हम क्रेडिट करेंगे आपको, माल आ जाएगा लिमिट बना लें कि इतनी लिमिट है और इस वक्त हमें पैसे मिलेंगे तो वो क्रेडिट करते हैं, ये उनकी पॉलिसी है। मैं एक कंपनी को जानता हूं उनकी पॉलिसी क्रेडिट की है, उनको अगर पैसे देने की कोशिश करें तो वो नहीं लेते, वो कहते नहीं जी हमारी पॉलिसी नहीं है हम उधार देते हैं, बस हम आपको फलां जो टाइम दिया उस टाइम पर पैसे लेंगे, उससे पहले हमें नहीं चाहिए। हाँ जी महीना या छः महीने जो भी उनका टाइम है। कुछ सुने माजरत मैं आपकी बात कर रहा हूँ, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कहती हैं जी कि हम एडवांस और नेट करती हैं, कुछ कहती हैं जी हम नेट और क्रेडिट करते हैं। फिर उसका ना आगे टाइम फ्रेम होता है कि कितने टाइम का क्रेडिट है और कितने परसेंट का क्रेडिट है, यानी वो लग कहते हैं जी 50% हमें एडवांस नकद दे दें 50% जो है वो आप क्रेडिट कर लें। ये आप जो पॉलिसी बनाएंगे ना ये उस पर डिपेंड कर रहा होगा। लोगों की तो कोशिश है कि सारे उधार दे दें, हर बंदा यही चाहता है कि हमें उधार मिल जाए हम बेच के पैसे को इस्तेमाल करें और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके वापस कर दें। ये आपने सोचना है कि आपने अपने कारोबार को कैसा चलाना है, लोगों की जो बातें हैं उनके मुताबिक आपका बिज़नेस नहीं चलेगा, बिज़नेस आपका आपकी पॉलिसी के मुताबिक चलेगा। अच्छी पॉलिसी बनाएंगे तो अच्छा बिज़नेस चलेगा, हल्की पॉलिसी होगी तो हल्का बिज़नेस चलेगा, तंग रहेंगे आप। ये फैसला आपने खुद करना है। दूसरा शायद इसमें एक और चीज़ है, जिस तरह की अब पिछले दिन मैंने एक हैंड वॉश बनाया था, ठीक है, क्या आपकी इलियास भाई की वो वीडियो देखी, तो अब मुझे ये समझ आई कि दुकानों में तो वहाँ के पास मुश्किल है, इसलिए तो उसको मैं थोड़ा बहुत चेक करना चाहता हूँ। उन्हीं साल में ऑफिस में इसका बहुत काम है, हॉस्पिटल में। अब उसमें ये होता है कि बहुत से लोग हैं, ज़्यादातर लोग हैं जो दे रहते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ नामों से इंटरनेशनल नाम रखते हैं, अब मुझे कैसे पता लगेगा, क्योंकि अगर मैं उनके पास जाऊँगा मुझे कहेंगे आप अपनी कोटेशन दें, ठीक है, और मैं उसको कैसे पता कर सकता। मिसाल जारी बात है ना, जो अगर वो एक 3 लीटर दे रहे हैं 1000 रुपये का, तो जब तक मैं 900 साढ़े 900 का नहीं लूँगा मुझसे नहीं लेंगे, मतलब 1000 जब तक कम नहीं लूँगा। लेकिन बात यह कि जब तक मुझे पता नहीं है वो कितने का दे रहे हैं, अगर मैं अपना रेट लगाऊं मैं भी मैं 700 बोल दूं तो मैं 200 को तो लॉस कर रहा हूं। मार्केटिंग का ये असूल नहीं है कि एक बंदा 1000 रुपये की प्रोडक्ट दे रहा है तो आप अपनी मार्केट या अपनी जगह बनाने के लिए उसको 950 रुपया रेट दें, ये कोई तरीका नहीं है। अगर सभी ऐसे करेंगे कंपटीशन में लग जाएंगे तो सारे लोग प्रॉफिट लूज़ कर रहे हैं, कोई भी उसमें हासिल नहीं कर रहा है। इसका प्रॉपर तरीका ये है आप प्रोडक्ट बनाएं अच्छा, उसके बाद उसकी करें कॉस्टिंग, आपको पता हो कि मेरी प्रोडक्ट इतने की मुझे घर पड़ रही है, अब आपने रेट देना है, आप बेशक उस पर कम प्रॉफिट रख के दें, ये सोचे बगैर रेट देना है कि यार वो जो बंदा रेट दे रहा है उसका रेट कम है और मेरा ज़्यादा है, आपने ये सोचे बगैर रेट देना है। हाँ अब वो बंदा सवाल करेगा मुझे तो फलां बंदा इतने के दे रहा है आप मुझे इतने का क्यों दे रहे हैं, तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, उसे कहो भाई जान सैमसंग महंगा है और नोकिया सस्ता है, क्या वजह है, आम चप्पल सस्ता है
बाटा महंगा क्या वजह है, बाटा सस्ता है बोरजान महंगा क्या वजह है, बोरजान सस्ता है स्काई वॉक महंगा क्या वजह है। यार सभी में डिफरेंस होता है चीज़ों में, हर चीज़ एक ही रेट की नहीं होती। ज़रूरी नहीं है कि आप एक आपने जो कपड़ा पहना हुआ है उसका रेट जो है और मैंने जो कपड़ा पहना हुआ है इसका रेट बराबर हो या 19-20 का फ़र्क हो सकता है वो 2000 का सूट और हो सकता है ये 600 का सूट हो। लोगों को कन्विंस करना पड़ता है मार्केटिंग में कि हमारा प्रोडक्ट महंगा क्यों है, अगले को समझाएं कि क्वालिटी भी कोई चीज़ होती है। वो कहेगा आपको कि लोग नहीं लेते।